What was the last topic? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। ऑलराइट, हेनरीज लॉ न्यूमेरिकल के बाद हमारे पास हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अभी बस स्टार्ट हुई है। सो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है हमारा CO2 इन कोल्ड ड्रिंक। बेसिकली व्हाट? टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस व्हिच मेक्स बर्निंग टेस्ट, जो बर्निंग टेस्ट बनाने में हेल्प करता है। एसिडिक बेसिकली नेचर को क्रिएट करके रखता है। ऑलराइट, दूसरा एप्लीकेशन है स्कूबा डाइविंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूबा डाइविंग? पानी के अंदर जाके फिशेस के साथ तैरना। बोल सकते हो बेसिकली पानी में अंदर जाके डुबकी लगाना, तैरना, बेसिकली पानी के अंदर अंडर वाटर रहना। ठीक है, अब डाइविंग रोशन वाला वो नहीं है, ऋतिक रोशन वाला वो नहीं, आप कभी पानी के नीचे जाके? हाँ, या अक्षय कुमार की मूवी थी एक, उसमें वो सी वाटर के अंदर खजाना ढूंढने जाते हैं। हाँ, ब्लू, तो उसमें वो खजाना ढूंढने जाते हैं, तो वो स्कूबा डाइविंग करके ही जाते हैं बेसिकली। तो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, एक गैसियस सिलेंडर कैरी करते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्कूबा डाइवर्स होते हैं दे कैरी गैस सिलेंडर, जिसमें क्या क्या फिल्ड होता है, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये तीन गैसेस फिल्ड होती हैं उसके अंदर। सिंपल ऑक्सीजन इसलिए नहीं होता क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेस आने से ना, मिक्सचर ऑफ गैस विल डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा सो प्रेशर विल आल्सो डिक्रीज। ठीक है, जिससे कि क्या चीज प्रिवेंट होगी, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बबल्स। ब्लड बबल्स बनते हैं किस चीज के, नाइट्रोजन गैस के। ठीक है, जिनको आप क्या नाम देते हो, बेंड नाम देते हो, जिससे कि डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। तो बेसिकली अगर सिर्फ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाएगा तो उससे क्या होगा, ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स बनेंगे और वो उसको क्या करेंगे, फोड़ देंगे, नाइट्रोजन के बबल्स फट जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, फाइन? यस सर। राइट, तो ये चीज जो है हमारी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में कंसिडर करी जाती है कि सॉल्युबिलिटी हैज डायरेक्ट रिलेशन विद प्रेशर। तीसरा है मेरा एट हाई एल्टीट्यूड, ऊपर हाइट पर जब जाते हैं तो लेवल ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज, जिससे कि क्या हो जाता है, विच कॉजेस अनोक्सिया। क्या कॉज करता है वो, अनोक्सिया, जिसको आप क्या बोलते हो, नर्वसनेस बोलते हो, कि जब ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से अनोक्सिया होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फाइन? यस सर। ठीक है, सो दिस इज द फैक्ट व्हिच इज बेसिकली यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर हेनरीज लॉ। सो दिस वॉज माई हेनरीज लॉ का कॉन्सेप्ट। हेनरीज लॉ के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज वेपर प्रेशर। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता है प्रेशर
exerted by the liquid in closed system, or you can say equilibrium at a given temperature. That is my vapor pressure. एक वो प्रेशर जो लिक्विड एग्जर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. फाइन. नाउ अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर जो होता है ना, वेपर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. वेपर प्रेशर जो होता है मेरा, किस चीज का फंक्शन होता है? टेम्परेचर का फंक्शन होता है. इट मीन्स अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मेरा जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. फाइन. नाउ डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर. वेपर प्रेशर और दूसरा मेरा पार्शियल प्रेशर. फाइन. सो इफ आई टॉक अबाउट वेपर प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर, देन व्हाट विल हैपन? आई एम गोना शो यू. सो लेट्स सी. मेरे पास मान लो कि एक कंपोनेंट है ए, और मैं बोलता हूँ प्रेशर ऑफ ए. मैं बोलता हूँ कि ए मेरे पास एक कंपोनेंट है, पता नहीं वो सॉल्यूट है सॉल्वेंट है कुछ भी मान लो आप, बट मैं बोल रहा हूँ प्रेशर ऑफ ए. इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर वैल्यू. I'm talking about pure value. So that is the vapor pressure of A. But if I talk about A, pressure of A when 20 gram of B is dissolved in A. This is called what? Partial. क्योंकि मैंने कुछ डिसॉल्व कर दिया, मिक्सचर की बात कर दी. तो जब मैं मिक्सचर की बात करता हूं तो ये हमारा क्या बन जाता है? पार्शियल प्रेशर बन जाता है. मतलब पी इज पी फॉर मिक्सचर या सॉल्यूशन इज द पार्शियल प्रेशर, इज नॉट द एग्जैक्ट प्रेशर. जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास ए बी को, ए बी का एक मिक्सचर है, उस ए बी के मिक्सचर में ए का जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर. ऑलराइट, समझ आया? यस सर. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने रूम के अंदर अकेला हूं तो मैं 100% अपने रूम के लिए अवेलेबल हूं, बट अगर मैं बोलता हूं कि मेरे रूम में मेरे साथ एक और बंदा है तो मतलब वो क्या हो गया? मेरे लिए पार्शियल हो चुका हो और कंप्लीट नहीं माना जाएगा वो. क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक और भी बंदा है तो वो भी कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा होगा. ऑलराइट, समझ आया? यस सर. और अगर सेम कंपोनेंट की बात करें तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा ना वो हमेशा ग्रेटर होगा पार्शियल प्रेशर से. मान लो मैंने बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एक्स है और वाटर में शुगर डाल दूं तो वेपर प्रेशर क्या होगा? तो जो भी होगा वो x से कम होगा हमेशा. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. पार्शियल प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल प्रेशर. फाइन, समझ आया? यस हिमांशी, समझ आया? यस सर. नव्या जीनल, समझ आया? यस सर. यस सर. All right. तो ये एक छोटा सा थ्योरिटिकल टर्म था. अब इस थ्योरिटिकल टर्म के अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें हैं बता दूं? हिमांशी बता दूं? सर ये बता दो. आवाज बहुत कम आ रही है आपकी हिमांशी. मैंने लैपटॉप थोड़ा दूर रखा हुआ है इसलिए. तो पास रख के पढ़ लो, दूर रख के कौन पढ़ता है नलायक, फिर आंखें खराब हो जाएगी तुम्हारी. ठीक है,
नहीं फूटेंगे आंखें, डोंट वरी. चलो सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. दैट पॉइंट इज वेपर प्रेशर कैलकुलेशन. अब मेरे पास ना मान लो कि एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या है, इतनी दूरी तक ना वाटर प्रेजेंट है. ठीक है, और मैंने इसको ना हीट करना शुरू किया. मैंने इसको हीट करना शुरू किया तो जब मैंने इसको हीट करना शुरू किया, जब मैंने इसको हीट करना शुरू किया तो इसके वेपर्स बनने शुरू हो गए ऊपर. अब चूंकि ये क्लोज सिस्टम है तो बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है. तो ये मेरा गैस का प्रेशर और ये मेरा वाटर का प्रेशर. कैन आई से कि मेरा जो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा दैट इज व्हाट, प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर. फाइन, कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नो सर. वेरी गुड. तो ये हमारा वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बनता है. अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है, बट उससे पहले मैं एक छोटा सा नोट लिखवाना चाहता हूं. नोट ये है कि एट कॉन्स्टेंट temperature pressure has inverse relation with volume. That concept is known as, which law it is? Boyle's law. Very good. Who gave the answer? Kisne diya ye answer? Himanshi. सौमिक. वेरी गुड हिमांशी. टू बॉयल्स लॉ होता है बेसिकली किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस के लिए. तो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैं मान लो गैस के प्रेशर को डबल करता हूँ तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगी, ठीक है, या मैं वॉल्यूम डबल करता हूँ तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है बेसिकली, ठीक है. तो थोड़ा ध्यान रखेंगे. अब मेरे पास ना न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल ये है कि air is saturated with many gases having many gases and some concentration of moisture with total pressure of 1500 bar. If the pressure of gas, if the volume of gas is doubled at the same temperature, if the volume of gas is doubled at the same temperature, what would be the total pressure when pressure of water is
100 bar? This is the question. Kaun karega? Sir, main karungi. Ye kisne bola main karungi? Yogita. Wow. Nice. Karo calculate. 11th ka question hai na. करो फटाफट कैलकुलेट और जरा एक बार बताओ मुझे क्या आंसर आ सकता है इसका. सर 800 आ रहा है. 800 आ रहा है. कितना आ रहा है? 800 आ रहा है. एक मिनट. कैसे सॉल्व किया आपने? सबसे पहले सर, पहले 700 आ रहा है, फिर उसमें 100 को प्लस किया 800. देखो सबसे पहले मैंने 1500 यहाँ रखा, इज इक्वल टू में गैस का प्रेशर रखा, प्लस में वाटर का प्रेशर 100 रख दिया मैंने. ठीक है, तो गैस का प्रेशर कितना आ गया? 1400. अब मैं बोल रहा हूं कि कांस्टेंट टेम्परेचर है और मैंने वॉल्यूम ऑफ गैस को डबल कर दिया, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रेशर कितना हो जाएगा? हाफ है ना. तो प्रेशर अगर हाफ हो जाएगा तो गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा वॉल्यूम के डबल करने पर? 700. ठीक है, गैस का प्रेशर मेरा हो गया 700 और मैं टोटल प्रेशर अगर निकालता हूं तो दोबारा से मैं उस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, तो गैस का प्रेशर तो 700 है और 100 मेरा टोटल प्रेशर है, तो कितना हो गया? 800. 800 हो गया. ठीक है, डन. सर मैंने सही किया ना? यस सर. हाँ जी, थैंक यू योगिता, बहुत अच्छी बात है. थोड़ी छोटी सी क्लैपिंग कर दो इसके लिए मेरी तरफ से, तो डन. Thank you. सबका हो गया? हिमांशी, निहारिका, yes sir, yes sir, जीनल, yes sir, yes sir. All right. So vapor pressure पे ऐसे ही टुच्चे सवाल आते हैं. Vapor pressure उतना ज्यादा भारी टॉपिक नहीं है. Vapor pressure के बाद हम आगे निकलेंगे थोड़ा सा Raoult's law पे. Raoult's law थोड़ा सा टफ है, so इस पे थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना क्योंकि इस पे दुनिया भर के अनाप शनाप क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, तो हम Raoult's law की सबसे पहले बेसिक स्टेटमेंट पर आते हैं. Raoult's law, सबसे पहला Raoult's law की जो स्टेटमेंट होती है वो ये होती है कि पार्शियल प्रेशर of any component. What does it mean, any component? कोई भी component ले लो आप, A, B, C, whatever you wanted to take. Partial pressure of any component has direct relation with mole fraction. ये क्या कहना चाह रहा है? देखो ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास ना ये कंटेनर है,
इस कंटेनर में मैंने वाटर रखा हुआ है, इस कंटेनर में मैंने क्या रखा हुआ है, वाटर। अब वाटर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, फिक्स, क्योंकि वाटर तो प्योर कंपोनेंट है। अब अगर मैं उसमें ऐड कर दूं शुगर, शुगर के ऐड करने से सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन बनेगा तो मोल फ्रैक्शन टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन टर्म विल बी इंट्रोड्यूस्ड, फाइन। यहां तक कोई दिक्कत सर? ये वापस बताना एक बार। मैंने बोला कि मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैंने पानी डाला, तो पानी का प्रेशर तो फिक्स है, वो तो घटेगा नहीं बढ़ेगा नहीं। बट अगर मैं उसमें शुगर ऐड कर दूं, तो शुगर ऐड जैसे ही मैं करूंगा वो सॉल्यूशन बन जाएगा, वो वाटर नहीं रहेगा। और जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसका प्रेशर वेपर से किसमें शिफ्ट हो जाएगा, पार्शियल में। अब अगर पार्शियल में शिफ्ट हो जाएगा तो जितना ज्यादा मैं शुगर ऐड करता चला जाऊंगा उतना ही ज्यादा पार्शियल होता चला जाएगा, है ना? तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि शुगर के ऐड करने से सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन के बनने से मोल फ्रैक्शन का टर्म आ गया इसके अंदर। अब मोल फ्रैक्शन अगर आ गया तो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ाता जाओगे आप, शुगर के मोल को बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे मेरा क्या होता चला जाएगा, प्रेशर वाटर का पार्शियल पार्शियल की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। इट मीन्स कि मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मैंने अगर ए कंपोनेंट लिया है तो उसका मोल फ्रैक्शन मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, और अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटा दूं तो मेरे पास वाटर का प्योर वेपर प्रेशर रह जाएगा। दैट इज फॉर एग्जांपल मैंने शुगर वाटर मिलाया तो मैंने क्या बोला, शुगर के मिलाने से पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, लेकिन वाटर का तो जो वेपर प्रेशर होता है वो तो कांस्टेंट ही रहता है ना, वो थोड़ी ना बदलता है, पर उसके मिलाने से पार्शियल प्रेशर पे चेंज आ रहा है। तो कहना इसे कि जो कांस्टेंट चीज थी वो कांस्टेंट ही रहेगी, बट वेरी क्या करेगा, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। ऑलराइट, समझ आया? यस सर। तो मैंने प्रोपोर्शनल साइन को हटाया और प्रोपोर्शनल साइन हटा के मैंने यहाँ पे पीए नॉट लिख दिया, और ये जो पीए नॉट होता है यही मेरा क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। सो पीए नॉट इज द वेपर प्रेशर एंड पीए इज द विच प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, फाइन। तो सिमिलरली कैन आई से कि मेरा अगर दूसरा कंपोनेंट हो गया मेरे पास इक्वेशन के अंदर, दूसरा कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, PA not XB. PB not XB. A क्यों? A क्यों आएगा वहां पे? अरे बेटा शुगर का प्रेशर, अब देखो आपने वाटर के एंगल से देखा इस चीज को, इसको शुगर के एंगल से चेक करो आप, शुगर का पर्टिकुलर प्रेशर फिक्स होगा, है ना? अब मैं वाटर को बढ़ाता रहूं तो उस केस में वाटर का फ्रैक्शन बढ़ेगा, शुगर का तो प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, बट पार्शियल प्रेशर में चेंज आना शुरू होगा। तो आप पहले वाटर के एंगल से देखा तो पीए नॉट को लिया, जब शुगर के एंगल से देखेंगे तो पीबी नॉट को लेंगे, क्योंकि दो कंपोनेंट ऐड कर दिया ना मैंने इसके अंदर। ठीक है, समझ आया? Yes. Good. जीनल समझ आ रहा है? Yes, sir. तो ये पार्शियल प्रेशर है और ये मेरा वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब मैं इसको ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा। देखो मैं इसको ग्राफिकली क्यों रिप्रेजेंट करूंगा, देखो मैं ना इसको मान लेता हूं y, इसको मान लेता हूं m, और इसको मान लेता हूं x, y इज इक्वल टू एम एक्स।
तो मैंने एक बना लिया कर्व जिसमें वाई एक्सिस पर रख दिया मैंने टी ए को, और इधर रख दिया मैंने मोल फ्रैक्शन, यहां मैंने रख दिया मोल फ्रैक्शन, जिसमें मोल फ्रैक्शन में मैं एक्स ए लेके चल रहा हूं, तो मैं स्टार्ट करूंगा जीरो से मोल फ्रैक्शन को और लेके कहां तक जाऊंगा, वन तक लेके जाऊंगा, एक्स ए जीरो से एक्स ए वन, फाइन। अब आप देखो वाई इज इक्वल टू एम एक्स है, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास यहां पर जीरो, और आपको ये पता होना चाहिए जब स्लोप इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो होती है तो ग्राफ कहां से शुरू होता है, ओरिजिन से शुरू होता है, और स्लोप मेरा पॉजिटिव है एम, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बिल्कुल डिट्टो ही आप क्या करोगे, दूसरी साइड में इसको वाई मानोगे, इसको एम एक्स मानोगे, और सी मेरा फिर से जीरो है, तो मैं इस तरफ भी एक कर्व बना दूंगा, इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींच दूंगा, एक कर्व इस तरफ भी बना दूंगा, वो किसके लिए माना जाएगा, वो बी के लिए माना जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स बी जीरो से एक्स बी वन तक, अब ये ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन चलेगा, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे रहेगा क्योंकि ए कंपोनेंट वाटर है, उसका प्रेशर ज्यादा होगा इसलिए वो ऊपर की तरफ है, और बी कंपोनेंट का नीचे की तरफ है, ठीक है। फिर इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे, अब अगर मैं इनको ज्वाइंट कर दूं तो ज्वाइंट करने पर मेरा टोटल प्रेशर आ जाएगा, एंड दैट टोटल प्रेशर इज इक्वल टू माय पी ए नॉट पी ए प्लस पी बी, दिस टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ राउल्ट्स लॉ, आई होप राउल्ट्स लॉ थ्योरेटिकली समझ आ गया आप लोगों को, यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ नहीं हुआ, नो सर, नहीं आया समझ में, नहीं आपने बोला ना कोई ऐसा बच्चा, तो मैंने अपने लिए कहा कि नहीं सर आ गया, सर सारे जो मैरिकल्स तो इसी रॉल्स लॉ से ही तो सॉल्व होंगे ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाँ मतलब मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, राउल्ट्स लॉ पे हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर है, तो आई थिंक आपको ये ग्राफ वाला राउल्ट्स लॉ का पोर्शन समझ आ गया होगा। हिमांशी समझ आया, जीनन समझ आया, हाँ जी सर, यस सर, मेरी आवाज आ रही है क्या, आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या, नहीं आ रही, हेलो हेलो, आ रही है भाई, सबकी आवाज आ रही है, तो ये क्यों कह रही है कि नहीं आ रही, यार तू डम है क्या, पता ही है वो तो, बट इसने बढ़िया आंसर दिया अभी ये क्वेश्चन का, तो ये डम्ब नहीं है, ये अच्छी अच्छी है हिमांशी, ऑलराइट। सो ये मेरा राउल्ट्स लॉ का ठीक है, अब इस पे ना फटाफट से एक न्यूमेरिकल हो जाए और फिर उसके बाद आज की क्लास को वाइंड अप किया जाए, तो फटाफट से एक बार जरा एनसीईआरटी का ना 2.16 न्यूमेरिकल निकाले जल्दी से, ठीक है। अभी देखो आपने देखा कि P टोटल की जो मेरी वैल्यू आई वो किसके इक्वल आई, पी ए प्लस पी बी, है ना,
पी टोटल किसके इक्वल आया, पी ए प्लस पी बी के इक्वल आया, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, फाइन। सो कैन आई से कि मेरा जो पी टोटल होगा दैट वुड बी ऑफ कोर्स पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। वेरी गुड, ये मेरी इक्वेशन आ गई, फाइन। अब 2.16 क्वेश्चन को फटाफट से रीड करो जल्दी से, फास्ट। 2.16 क्वेश्चन है, हेप्टेन और ऑक्टेन को मिलाकर एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जिसमें से इसने हेप्टेन का प्रेशर दिया हुआ है। हेप्टेन अगर है तो प्योर प्योर माना जाएगा, मतलब पीएच नॉट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हेप्टेन का प्रेशर, 105.2 कितना है भाई, 105.2 किलो पास्कल। यस सर। और ऑक्टेन का कितना प्रेशर गिवन है, 46.8। ऑक्टेन का जो प्रेशर है दैट इज 46.8। आपको सिर्फ एक्स ए और एक्स बी निकालना है, यूनिट सेम है इसकी, ठीक है, केपीए। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से मोल फ्रैक्शन निकालना है। इसने बोला है 26 ग्राम का हेप्टेन इन 35 ग्राम के ऑक्टेन में। एक काम करो, पहले मोल फ्रैक्शन निकालो फटाफट से। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम हेप्टेन का मोलर मास चाहिए मुझे और ऑक्टेन का मोलर मास चाहिए। हेप्टेन का मोलर मास होता है 100, ऑक्टेन का मोलर मास होता है 114। तो हम एक काम करते हैं, पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, XH, हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 26/100 0.26 डिवाइडेड बाय में डिवाइडेड बाय में 26/100 प्लस 35/100 राइट, 26/100 प्लस सर 0.30 आ रहा है इसको डिवाइड करके 35/114। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 0. अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 4-5 के आसपास। तो फिर ऑक्टेन कितना आ जाएगा आपका, 1 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.55। अब इसको राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले में पुट कर दो, पी टोटल में। पी टोटल में अगर आप पुट करते हो तो सबसे पहला है आपका 105.2 इनटू में 0.45 प्लस 46.8 इनटू में 0.55, ठीक है। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका टोटल आंसर अप्रोक्सीमेट के आसपास आएगा 73.4 के आसपास आ जाएगा किलो पास्कल। दैट इज योर आंसर सर। कैलकुलेशन छोड़ने पे कितने मार्क्स कटते हैं, कैलकुलेशन छोड़ने क्यों है हिमांशी, व्हाई? पूरे पेपर में एनसीईआरटी में तुम्हारे पास 4 चैप्टर है न्यूमेरिकल के, 4 चैप्टर से हद मार के 5 न्यूमेरिकल आएंगे। 5 न्यूमेरिकल को करने में अगर तुमने 1 घंटा भी लगा दिया तो तुम्हारे पास अगले 2 घंटे हैं बाकी पूरा पेपर सॉल्व कर दें। और मुझे नहीं लगता 1 घंटे में 5 न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। बोलो, 1 घंटे में 5 न्यूमेरिकल नहीं हो सकते?
जवाब दो भाई। अब सांप सूंघ गया सभी को। पढ़ सकते हैं। एक घंटे में 5 न्यूमेरिकल यार, 20 मिनट का एक न्यूमेरिकल मिल रहा है तुम्हें, सॉरी 15 मिनट, कितने 15 मिनट, 15 60 नहीं, कितने मिनट का मिल रहा है, 12 मिनट का मिल रहा है तुम्हें एक न्यूमेरिकल। मेरे हिसाब से 12 मिनट सफिशिएंट होते हैं एक न्यूमेरिकल को करने। और पेशेंस के साथ करना, जल्दबाजी में क्यों करना है, अच्छे से करना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और केमिस्ट्री का पेपर तो सबसे जल्दी होता है। ठीक है, ओके देन, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय सर, बाय सर, गुड नाइट, बाय बाय, बाय मानसी, बाय जीनल, बाय इप्सिता, बाय सर, गुड नाइट, बाय सक्षम, बाय निहारिका, बाय नव्या, बाय सर, बाय सर, बाय सर। ओ हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ किया था, राइट? तो राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या आया था, फॉर्मूला जीनल याद है? राइट, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट इनटू प्लस पी बी नॉट एक्स बी, राइट? ये कौन बोला है, तो हिमांशी की आवाज आई एकदम से। तो दिस वाज द राउल्ट्स लॉ। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग केसेस इन राउल्ट्स लॉ। केस वन इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पहले वोलेटाइल सॉल्यूट करते हैं। वोलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूट को हम बेसिकली बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एज आई सेड दैट सोल्यूट हमेशा बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो इवेपोरेट हो जाता है, दैट इज माई वोलेटाइल सोल्यूट, फाइन। तो अब देखो हमें ये पता है कि हमारा जो मोल फ्रैक्शन होता है, उस मोल फ्रैक्शन का जो मेरा सम होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर मान लो मेरे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, तो उसका मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होगा, वन। मोल फ्रैक्शन का सम वन के इक्वल होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक्स ए की जगह पे ना वन माइनस एक्स बी पुट कर दूंगा। एक्स ए की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, वन माइनस एक्स बी पुट कर दूंगा, और इसको मैं मेन इक्वेशन में डाल दूंगा। जब मैं मेन इक्वेशन में डालूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी, पी टोटल इज इक्वल टू में पी ए नॉट इन टू में वन माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू में एक्स बी। ऑलराइट, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अंदर आप मल्टीप्लाई अगर करते हो तो मल्टीप्लाई करते ही क्या वैल्यू आने वाली है मेरी, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, मेरी ये वैल्यू आने वाली है। ऑलराइट,
कोई दिक्कत इसमें? एनीवन? क्या करा रहे हैं सर, वापस करा लो। राउल्स लो करा रहा हूं मैं यार, ये राउल्स लो मैंने कल लास्ट डे प्रूफ कराया था ना, उसी प्रूफ को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया है, xa plus xb 1 के इक्वल होता है, मतलब मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, xa की जो वैल्यू है मेरी वो मैं 1 minus xb पुट कर रहा हूं उधर ले जाके, और उसको मैंने इक्वेशन 1 में डाल दिया, फर्स्ट p टोटल वाली इक्वेशन में, और फिर उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करके मैंने फाइनलाइज किया अभी तक ये इक्वेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? हिमांशी जीनल? नो सर। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें इस इक्वेशन में? xb कॉमन है, वेरी गुड। तो p टोटल की जो मेरी वैल्यू आएगी वो कुछ ये आ जाएगी, पी ए नॉट आई कैन राइट पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट, और जो मैंने कॉमन निकाला है उसको एक्स बी को उधर ले गया। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर, नो दिक्कत। ऑल राइट, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई राउल्स लॉ की, एंड दिस वाज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं केस 2। केस 2 में हम क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे। अच्छा, मैंने बोला अभी आपको कि हम राउल्ट्स लॉ की जगह पे केसेस लगा रहे हैं, केसेस लगा रहे हैं, तो मैंने वोलेटाइल सॉल्यूट लिया तो मैंने xa की वैल्यू पुट कर दी। मैं xb की वैल्यू 1 माइनस xa भी पुट कर सकता था इक्वेशन में, लेकिन फिर मैं b को वैनिश कर देता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो फाइनल इक्वेशन है p टोटल, उसमें मेरे को एक्स बी दिखाई दे रहा है, और एक्स बी मेरा सोल्यूट के लिए यूज किया जा रहा है। तो बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू से कि मुझे सोल्यूट शो करना है, इसलिए मैंने a की वैल्यू पुट करी है, b की वैल्यू नहीं पुट करी, क्योंकि अगर b की पुट करता मैं वहां पर एक्स बी की, तो मेरी इक्वेशन में एक्स ए आ जाता। Now, पी ए की वैल्यू मेरी पी ए नॉट एक्स ए के इक्वल है, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मैंने एक्स ए निकाला है ना, ये मैं इसमें पुट कर रहा हूं, इसमें भी पुट कर रहा हूं सेम चीज, तो ये मेरी पी ए इज इक्वल टू में पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, पी ए एज इट इज छोड़ दिया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, अंदर जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई एम गेटिंग पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी आ जाएगा। मैंने क्या किया, इक्वेशन शिफ्ट कर दी, इक्वेशन शिफ्ट कर दी मतलब राइट को लेफ्ट में ले गया मैं, तो मेरी पी ए नॉट की जो वैल्यू आई वो मेरी आई, मेरी जो ये वैल्यू आई पी ए नॉट एक्स बी की जो मेरी वैल्यू आई, राइट को मैं लेफ्ट ले गया और लेफ्ट को राइट ले आया, तो मेरी ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी कुछ पी ए नॉट माइनस पी ए, और फिर मैं एक्स बी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो एक्स बी क्या आ जाएगा मेरा, पी ए नॉट
माइनस पी ए अपॉन में पी टोटल, सॉरी पी ए नॉट, दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये मेरी राउल्ट्स लॉ की तीसरी इक्वेशन। फाइन, इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नो सर। कूल, अब एक काम करो, एनसीईआरटी निकालो फटाफट जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ कौन सी इक्वेशन को कौन से न्यूमेरिकल में कब यूज करना है, ठीक है? फटाफट से एनसीईआरटी निकालो जल्दी से। कौन सा पेज? एक्सरसाइज। हो गए ओपन। ऑल राइट, आप लोगों ने लास्ट न्यूमेरिकल 2.16 किया था, याद है? यस सर। 2.16 न्यूमेरिकल को एक बार रीड करो और आप इन तीन फॉर्मूले में से ना कोई एक फॉर्मूला एलिमिनेट करो कि इन तीन में से एक फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लग सकता उस क्वेश्चन के अंदर। तो कौन सा वाला क्वेश्चन? 2.16 क्वेश्चन को एक बार रीड करो, ठीक है, और मुझे ये बताओ कि ये तीन फॉर्मूले जो मैंने बॉक्स में बना रखे, इन तीन में से कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि उस क्वेश्चन में किसी कीमत पे नहीं लग सकता। 2.16 क्वेश्चन रीड करो फटाफट जल्दी से। केस वन लगेगा, थर्ड केस नहीं लगेगा ना सर? थर्ड केस नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता थर्ड केस? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पहले ये देखो, कैलकुलेट व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर का मतलब टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर थर्ड इक्वेशन में है ही नहीं कहीं पे भी। ठीक है सर। ऑल राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.17 एक बार रीड करो। इसमें केस वन नहीं लगेगा। केस वन नहीं लगेगा तो टू भी नहीं लग सकता क्या? अगर केस वन नहीं लगेगा तो केस वन नहीं लगेगा तो राउंड स्लोप का एक्चुअल फॉर्मूला नहीं यूज हो सकता। सर की आवाज सिर्फ मुझे कट रही है, सबको कट रही है सर? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ कि अगर केस वन नहीं लगेगा तो राउंड स्लोप का एक्चुअल फॉर्मूला नहीं लग सकता उस क्वेश्चन में। थर्ड नहीं लगेगा क्योंकि वेपर प्रेशर निकालना, पर इसमें तो नॉन वोलेटाइल है ना? हाँ, वो तो देखो स्टेटमेंट ने इत्तेफाक से नॉन वोलेटाइल दे दिया। अगर नॉन वोलेटाइल नहीं देता तो आप क्वेश्चन अगर रीड कर रहे हो तो क्वेश्चन रीड करने पर कहीं पर भी पी टोटल का जिक्र नहीं है उस क्वेश्चन के अंदर। है कहीं पे पी टोटल का यूज? नो, ना ही प्रेशर ऑफ मिक्सचर का कोई यूज है। तो आई कैन से कि पी टोटल के कंसेप्ट को आप नहीं यूज कर सकते हो उस क्वेश्चन में, 2.17 क्वेश्चन के अंदर। तो मतलब राउल्ट्स लॉ का एक्चुअल फॉर्मूला और केस वन इनवैलिड, तो केस टू इज द वैलिड कंसेप्ट फॉर दिस फॉर्मूला, है ना? यस सर। आप 17th क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? हाँ जी मैम, 17 की बात कर रहा हूँ। 2.17, ठीक है। तो अब थोड़ा क्वेश्चन खेलते हैं, फिर जस्टिफाई होगा। अब आप निकाल लो सबसे पहले एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट का 2.8 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी इनटेक्स्ट 2.8 अनसॉल्व्ड। नाउ उस क्वेश्चन के अंदर ना आपको पी ए नॉट गिवन है,
टी बी नॉट गिवन है और साथ ही साथ में पी टोटल भी गिवन है. यू कैन रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर गिवन दिस एंड दिस. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन और कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर व्हेन टोटल प्रेशर इज दिस. है ना, यही क्वेश्चन है. तो उस क्वेश्चन में आप देखो पी ए नॉट की वैल्यू ना आपको 450 दी हुई है, 450 mm प्रेशर की यूनिट है. और पी बी नॉट की वैल्यू दे रखी है उसने 700 और पी टोटल दे रखा है उसने 600. अब मेरे पास ये तीन चीजें गिवन है तो इसका मतलब मैं राउल्ट्स लॉ के केस 3 को यूज नहीं कर सकता इसमें. नहीं कर सकते. फाइन, तो मेरे पास दो फॉर्मूले बचे, एक तो मेन राउल्ट्स लॉ का और एक केस 1. फाइन, मुझे निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है. अब हाँ केस 2, वेरी गुड, क्योंकि केस 1 में दो दो मोल फ्रैक्शन है और दो मोल फ्रैक्शन एक साथ तो निकाल ही नहीं सकते आप, कोई एक ही तो निकालोगे पहले, है ना. तो इसलिए मैं राउल्ट्स लॉ की जगह पर केस 1 लगाऊंगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए. अगर मैं केस 1 लगाता हूं तो मैं पी टोटल की जगह पे 700 पुट कर दूं पहले, नहीं 600, सॉरी पी टोटल 600 है, 600 गिवन है ना पी टोटल, तो पी टोटल की जगह 600 पुट कर दिया मैंने, ए की जगह पे 450 पुट कर दिया मैंने, प्लस बी की जगह पे 700 पुट कर दिया मैंने, माइनस में 450 पुट कर दिया मैंने और इनटू में मैंने एक्स बी लगा दिया. फाइन, इसको मैं इधर ले आया, इधर जब मैं लेके आया तो माइनस होकर कितना बचा इधर टोटल 150. इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरा आया 250 एक्स बी. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बी नाउ, जीरो से जीरो 3/5 मतलब 0.6 आ गई. अगर मेरे पास xb की वैल्यू 0.6 आ गई तो xa कितना आ जाएगा, 0.4, क्योंकि 1 में से माइनस कर दोगे क्योंकि दोनों का सम 1 के इक्वल होता है. ठीक है, तो ये तो मेरा क्वेश्चन का एक पार्ट कैलकुलेट हो गया जो कि मेरा मोल फ्रैक्शन दे रहा है. बट हमेशा ध्यान रखेंगे कि राउल्ट्स लॉ से जब भी मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो लिक्विड स्टेट में आता है. राउल्ट्स लॉ से हम जब भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो किस चीज में आता है, लिक्विड स्टेट में आता है. लेकिन आपके क्वेश्चन में ना गैस या वेपर फेज में पूछा होगा उसने. और अगर गैस या वेपर फेज में पूछ लिया तो फिर उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे, मेरे को लगाना पड़ेगा. मान लो मेरे को ए निकालना है, एक्स ए गैस का निकालना है, ब्रैकेट डाल के मैं यहां गैस लिख रहा हूं जी. तो मेरी जो इसकी वैल्यू होगी ना ये होगी, हमेशा ध्यान रखेंगे पी ए नॉट एक्स ए लिक्विड वाला अपॉन में पी टोटल. ये ग्रेड 11 से फॉर्मूला है, डाल्टन्स लॉ. अपॉन में पी टोटल कर देंगे. तो अगर मैंने एक्स ए निकाल लिया तो फिर एक्स बी कैसे निकालूंगा गैस वाला, माइनस 1 में से माइनस करके. नॉट माइनस 1 हिमांशी. हाँ सेम ही बात है, मतलब
नहीं बेटा सेम बात नहीं होती, अलग बात होती है, वन में से माइनस करना और माइनस वन करना। मेरा मतलब वही था। हाँ तो अब मेरे पास ये दो फॉर्मूले आ गए हैं। अब अगर आपने एक्स ए लिक्विड में निकाल लिया है तो गैस का भी एक बार निकाल लो, पी ए नोट आपको ऑलरेडी पता ही है, पी टोटल आपको पता ही है, पुट करो एक बार, निकालो फटाफट जल्दी से और मुझे बताओ कितना आ रहा है। कितना आया? 0.7। हाँ 0.3 आया सर, टोटल नीचे भी करके। एक्स ए तो 0.3 आया, एक्स बी कितना आ जाएगा फिर? 0.7। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन? यस सर। और हाँ जी बोलो। नहीं इस वाले को, एक्स ए को सॉल्व करके 0.3 आएगा। हाँ जी ऑल राइट। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, 2.18 क्वेश्चन को रीड करो एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज से 2.18 जिसमें मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूँ, याद दिलाता हूँ, एक्चुअली हिंट नहीं दे रहा। मोरालिटी कभी गिवन होती है तो मैंने हेनरीज लॉ में बताया था मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। इफ यू रिमेम्बर कि अगर मोलैलिटी गिवन होती है तो मोलैलिटी अपॉन में मोलैलिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये इक्वल था मेरा किस चीज के? मोल फ्रैक्शन के इक्वल था। ठीक है, तो एक बार फटाफट से फॉर्मूले में पुट करके जरा एक बार मेरे को ये क्वेश्चन निकाल के दिखाएं, 2.18 वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जल्दी से फास्ट। सर आपकी आवाज नहीं आई, आपने क्या बोला अभी? मैंने बोला 2.18 क्वेश्चन निकालें। ओके क्वेश्चन बोलने पर क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास 14, व्हिच शुड बी डिसॉल्वड इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 18। नहीं नहीं नहीं, ये मत निकालो, 2.17 करो फिर। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 एट 300। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। हां ये निकालो, 2.17 वाला निकालो।
सर क्यों आप बेचारे के साथ होली खेल रहे हो? तो मैं इतने क्वेश्चन कर रहा हूँ 2.17 हो गया लास्ट स्टेप पे रुक जाओ। कैसे सॉल्व करोगे 2.17? पहले मेरे को जस्टिफाई करोगे कोई एग्जांपल? x equals to p naught minus p upon p naught लगा देते हैं। राइट, xb की जगह पे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वहां पर आपको, क्योंकि मोलालिटी गिवन है ना? वन मोलल गिवन है ना भाई? पी ए नॉट को एज इट इज, पी ए नॉट कितना दे रखा है आपको? 12.3। ठीक है, मेरे को पी ए निकालना है तो पी ए को मैं एक्स मान लेता हूँ, अपॉन में 12.3 एक्स निकाल लो। एक्स की वैल्यू तुम्हारी कैलकुलेट करके आनी चाहिए लगभग 12.048। ठीक है, यूनिट क्या दोगे? किलो पास्कल। Right, KPa, किलो पास्कल वुड बी द यूनिट। फाइन, कोई दिक्कत? आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, दैट इज 2.36 एक्सरसाइज का। ठीक है, ये होमवर्क है और आप मीनवाइल एक क्वेश्चन लिखो फटाफट जल्दी से फास्ट। बोलो सर। क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड मैं एक बार जरा क्वेश्चन निकाल लूं, कर देता हूं मैं आपको। राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्दो लेट्स सी, लिखो एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेट 80 डिग्री सेल्सियस 80 एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी pure liquid A and B are given 520 and 1000 mm respectively. 520 and 1000 mm respectively. If a mixture of solution If a mixture of solution boils at 1 atmospheric 180 mm equal होता है 760 mm के equal, ध्यान रखना हमेशा।
1 atm का मतलब 760 mm प्रेशर. कैलकुलेट द मोल परसेंटेज ऑफ ए. कैलकुलेट द मोल परसेंटेज ऑफ ए. ए का मोल परसेंटेज निकालना है आपको. सर रिस्पेक्ट के बाद क्या क्या हो गया? टेम्परेचर का तो कोई यूज नहीं होता ना. टेम्परेचर का कोई यूज नहीं होता इस क्वेश्चन में. हुआ भाई? हो गया भाई? एक मिनट. इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार. सर बोलो. पी टोटल की जगह पे यहाँ पे 760 रखेंगे ना. हाँ जी हो गया. 219.17 आएगा. क्या बात कर रहे हो. 50% आंसर आएगा. 1/2 आएगा. 1/2. 52% 50% आ रहा है. 1/2 आ गया. 1/2 मतलब 0.5 और x भी 0.5 है तो x ये कितना हो जाएगा? वो भी 0.5 हो जाएगा. वो भी 0.5 हो जाएगा. दोनों ही 0.5 हो जाएंगे तो परसेंटेज निकालना था इसका. कितना परसेंट हो जाएगा? 50. ये आंसर है. हो गया जीनल? यस सर. बाकी सभी से हो गया ही क्वेश्चन? इप्सिता, नव्या, हिमांशी? यस सर. यस सर. ऑल राइट. ठीक है तो राउल्ट्स लॉ पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो होमवर्क है. कल हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पक्का आता है इसके ऊपर. मैंने तो ये वाला ना सॉल्व कर लिया था बट फिर आपने कहा था ना मुश्किल क्वेश्चन है तो मैं हो गई कि मुश्किल क्वेश्चन मुझसे कैसे सॉल्व हो गया तो मैंने बोला ही नहीं. अच्छा आंसर 50% ही आ रहा था. हां हां फिर तो कोई दिक्कत नहीं. कॉन्फिडेंस रखा करो हमेशा. ऐसे डरा मत करो कि मैंने सॉल्व कर दिया. गलत होगा तो कोई बात नहीं, कुछ सीखने को ही मिलेगा है ना. यस सर. ठीक है. यस सर. गुड. अब अगली क्लास में हम
आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर करेंगे. थ्योरेटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है. ठीक है. ओके सर. चलो फिर मिलते हैं कल.